नमः शिवाय नारायण तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। किंतु दधीची के आश्रम में इस समय इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति और देवगण कर क्या रहे हैं? मित्र पर्वत, जितना तुम देख रहे हो उतना ही मुझे दिखाई दे रहा है, और जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। तो फिर दधीची के आश्रम में ये सब क्या कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञात हो? वहाँ चल कर। तो चले? हाँ। धन्य भाग, आप पधारे, आप सभी का स्वागत है। आपने पधार कर आज मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है। यहाँ क्यों खड़े हो गए सखा नारद, आगे बढ़ो। मित्र पर्वत, सर्वप्रथम स्थिति समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। महर्षि, हम सभी ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज्ञा करें देवगुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि, महर्षि प्रसंग कुछ ऐसा है कि हम कहें। देवराज, निसंकोच होकर कहें। निसंकोच होकर कहने जैसी बात नहीं है महर्षि, कारण कि वृत्तासुर ने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये मुझे ज्ञात है। अब हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए उसका वध करना है। देवगण और स्वर्ग सभी की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। देवराज यहाँ अपना हित साधन करने आए हैं? आवश्यक तो अवश्य है महर्षि, किंतु इतने भयंकर विशाल काय और भयावह राक्षस को मारने के लिए हमें अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। स्वाभाविक है महर्षि। तो है, किंतु किंतु क्या देवराज, फिर अस्वाभाविक क्या है? महर्षि, सभी कुछ स्वाभाविक है, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। देवराज तो संकोच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं देवराज, आप आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। आगे की ओर मूल उद्देश्य की बात कहने के संकोच में आप पहले कह गई अपनी बात को भूल गए होंगे। मैं स्मरण कराता हूं, ब्रह्मा जी के आदेश से आप यहां आए हैं। वृत्रासुर ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, उसके वध के लिए आपको कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, कारण कि आपका वज्र त्रिशरा वध में खंडित हो चुका है। अब आप आगे बताएं, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? आप सभी प्रकार से हमारी सेवा, मेरा अभिप्राय है महर्षि की आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी प्रकार से कैसे देवराज? नहीं, सभी प्रकार से नहीं, केवल एक प्रकार से। देवराज, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से कहें। तो देवराज में अपनी बात कहने की भी शक्ति नहीं रही। वह तो उनके संकोच व झिझक से ही लग रहा है। देवराज, विषय स्वर्ग की रक्षा का है और आप स्वर्ग के अधिपति हैं। उद्देश्यपूर्ण और विशेष बात कहने का अधिकार आप ही का है,
आप ही कहें। मैं ये तो समझ रहा हूं कि विषय अत्यंत गंभीर है और मेरे अनुमान से महत्वपूर्ण भी, किंतु मैं ये नहीं समझ सका इसे कहने में दुविधा क्या है। दुविधा? दुविधा बता सकते तो वो बात भी बता देते महर्षि। तो क्या अब आप वो बात बताए बिना ही लौट जाएंगे? नहीं नहीं महर्षि, ब्रह्मा जी के आदेश से आए हैं तो वो अवश्य कहेंगे जो कहना है। तो कहें देवराज। तो परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। महर्षि, हमें वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता है ताकि शक्तिशाली वज्र तैयार हो सके। तो वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं देवराज? आप ही और केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं महर्षि। कहे आपको मेरी अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है? हाँ महर्षि, ऐसा ही है, हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए ताकि वृत्तासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। अस्थियों का दान? मेरे पति की अस्थियों का दान? अर्थात आप मेरे पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरा सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपनी रक्षा और स्वार्थ के लिए मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों कर देना चाहते हैं देवराज? पत्नी अपने पति के प्राणों का बलिदान कर सकती है। माता, आपको असहाय और पीड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु बड़े प्रयोजन के लिए कभी कभी त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। उद्देश्य, प्रयोजन? अपनी सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचारना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव हैं। शांत हो जाओ देवी सुवर्चा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इस जगत में ऐसी कौन सी सुहागन नारी है जिसके पति को स्वार्थवश मृत्यु के मुख में जाने के लिए कहा जाए और वो शांत हो जाए? महर्षि, यदि आप इस जगत की किसी एक भी ऐसी शांत होने वाली स्त्री को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर दें, तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। और आप भी ध्यान से सुन ले देवराज, वृत्रासुर मारा जाए अथवा ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले अथवा ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वे ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। देवी सुवर्चा का कहना उचित ही है। देवी सुवर्चा, यदि तुम्हारी बात पूर्ण हो गई है तो अब मैं कुछ कहूं? अवश्य कहें, केवल कहें, किंतु दान के विषय में कुछ न कहें। नहीं, मैं केवल भगवान शिव के आदेश के विषय में कहूंगा। भगवान शिव का आदेश? हाँ देवी, सर्वप्रथम तो तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि इस जगत में जो भी घटित होता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों की सम्मिलित इच्छा से होता है। मानती हो ना इस सत्य को? सभी मानते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगी? अब ये भी मान लो कि देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से आए। गुरु बृहस्पति ने कहा था, तब मैंने सुना था। इतना सब मानने के बाद अब ये भी मान लो कि भगवान शिव ने मुझे आदेश और संकेत दिया है। कैसा आदेश, कैसा संकेत?
उनका आदेश है कि देवताओं के कल्याण के लिए मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त वज्र के समान हड़ अस्थियों का दान करना ही होगा। ऐसा कठोर संकेत और आदेश भगवान शिव ने दिया है आपको? सावधान सुवर्जा, भगवान शिव के विषय में जो कहो संयम और सीमा में रहकर कहो। ये मत भूलो कि उन्होंने अपने समान पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें दिया है। लोकहित में यदि मुझे अस्थिदान का आदेश दिया है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है देवी। आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया स्वामी? देवी, तुम केवल धर्म के विषय में सोचो, संकट स्वयं टल जाएगा। जीवित अवस्था में प्राण त्याग कर फिर अस्थिदान करना धर्म विरुद्ध है स्वामी। घर आए याचक को निराश और खाली हाथ लौटा देना, क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शरीर का यदि परोपकार के कार्य में उपयोग न हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर को। इस सत्य को भी ना भूलो कि भगवान शिव ने मेरी अस्थियों को वज्र के समान कठोर इसलिए बनाया है कि महान उद्देश्य में इसका उपयोग हो सके। आज देवगण संकट में है, उनकी सहायता सेवा करना धर्म के अनुकूल है। देवराज, आप माता कामधेनु का आवाहन करें, मैं समाधि में शरीर त्याग करूंगा और गौ माता कामधेनु मेरे मृत शरीर का अपनी जीवा से स्पर्श करके अस्थि पंजर को स्वच्छ करेगी और आपके नए वज्र का निर्माण करेगी। आप उस वज्र से वृत्रासुर का वध करना। स्वामी, स्वामी, स्वामी। त्याग अपने आप में महान तप है, यदि इस सत्य को समझ लोगी तो तुम्हारे शोक और पीड़ा शांत हो जाएगी। ऋषि दधीची, आप धन्य हैं। आप जैसे त्यागी और परोपकारियों के बल पर ही पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता करें। हो जाओगे, कष्ट भोगोगे। दया करो माता, दया करो। मां
माता, मैंने ये सब विवशतावश किया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी विवशता मेरा जीवन नष्ट क्यों करेगी इंद्र? अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तुम्हारे महान त्यागी और परोपकारी पति महर्षि दधीचि शिवलोक को प्राप्त हुए, उन्हीं के रुद्र अवतारी पुत्र की तुम माता बनोगी, इसीलिए सती होने का विचार त्याग दो। तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण नंदीकेश्वर और शिवगण करेंगे, उसके जन्म के पश्चात तुम भी शिवलोक को गमन करके अपने पति की दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण। मित्र पर्वत, आज अनायास ही दान, त्याग और बलिदान का एक भव्य महोत्सव देखने का योग प्राप्त हुआ। हाँ सखा नारद, ऋषि दधीचि जैसे परोपकारी इस धरती पर कितने होंगे, धन्य है इनका त्याग।